सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पवित्र आत्माओं नमस्कार। आप सबके समक्ष काफी लंबे अरसे के बाद आ रहा हूं क्योंकि मैं यात्रा में था। आप सब जानते हैं जीवन एक यात्रा है, चलते रहना ही जीवन का अर्थ है, करते रहना ही जीवन का अर्थ है। कुछ न कुछ हम सोचते रहें करते रहें तो जीवन में क्रियाशीलता आती है। जीवन का महत्व ही क्रिया है, क्रिया का जीवन का महत्व ही जगत है, सक्रियता है। संसार में हम अपाए हैं तो संसार के लिए हमें आपको कुछ करना पड़ता है, संसार में रहने के लिए करना पड़ता है, संसार को फायदा देने के लिए कुछ करना पड़ता है। इससे जीवन बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। मेरा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो, जीवन का अर्थ अगर आप समझ लेंगे, जीवन का मन मीनिंग आप समझ लेंगे तो आप सुखी से रह सकते हैं। मैं एक यात्री हूँ, मेरा भी एक जीवन है। मैं एक लंबे समय से जीवन पथ पर यात्रा करते चला रहा हूँ, कभी जगत के लिए, कभी अपने आप के लिए। अभी हम अपने आप के लिए कुछ समय के लिए खो गए थे, हिमालय में चले गए थे। संसार तो आप जानते हैं, संसार एक चक्र की तरह चक्रवाक करता है, घूमता फिरता रहता है। हम उसी रिंग पर बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से हम अब जीवन यात्रा में हैं। हमारा आपका शरीर बदलता रहता है, हम आप नहीं बदलते, हम अब ना कभी बदलेंगे। जब तक से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर जाएंगे, जब तक से आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, जब तक से हम प्रभु का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक से हमारे इस जीवन चक्र में परिवर्तन नहीं आएगा। हम जो कुछ भी करते रहें, जो कुछ भी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, वो सब संसार में आने जाने का एक चक्र बना हुआ है। अपने हितों के लिए, संसार के लेन देन के लिए, संसार के समझौता के लिए हम अब हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर हमें आपको मोक्ष मुक्ति और आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त करना है तो कुछ देर ठहरना पड़ेगा, कुछ देर अपनी ज़िंदगी में विराम लाना पड़ेगा। जब आप विराम लाएंगे तो आपका सोच बदल जाएगा, आपकी शक्ति की सक्रियता जो आपके अंदर में है वो बदल जाएंगे, उसमें ठहराव आ जाएगा, एक नया प्रवेश शुरू होगा। मान लीजिए कि आप योग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर उपासना कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, देवी देवताओं के मंत्र जाप कर रहे हैं, सबका सब उपयोगी है, सबका सब एक अपना अर्थ होता है, सबका सब एक अपना मीनिंग होता है। लेकिन यह सब आपको नहीं प्राप्त होता, यह सब आप जिन हितों के लिए काम करते हैं, जिन मांगों की पूर्ति के लिए काम करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, जिसके प्रति प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, अपनापन समझते हैं, उसके हित में चला जाता है। आप जगत में बहुत कुछ कमा लेते हैं लेकिन वह सब आपके लिए नहीं है, वह जगत के अन्न आने वाले आपके सदस्यों के लिए। आपको हर तरफ से रुकना पड़ेगा, हर दिशा से रुकना पड़ेगा और आपको अपने आप में ठहरना होगा। जब तक से आप अपने आप में नहीं ठहर जाएंगे तब तक से आपका सोच नहीं बदलेगा, तब तक से आपकी इंद्रियों का मंथन नहीं बदलेगा, तब तक से जो शक्ति जो आपसे काम करवा रही है वो आपको आपके अनुकूल काम नहीं करेगी। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कहता चला रहा हूँ कि रुकिए, कुछ देर रुकिए, अपने लिए रुकिए। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल कीजिए, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, शरीर कैसे निरोग रहे। सरदार ने आयुर्वेदिक के रूप में, एलोपैथी के रूप में, होम्योपैथी के रूप में अन्य विभिन्न तरह के साधन खोज रखे हैं और आपको स्वास्थ्य बनाए हुए हैं। वे स्वास्थ्य तो आपको बनाते हैं लेकिन आपको जीवन को बढ़ाते नहीं, जीवन को आपको ज़्यादा उपयोगी बनाते नहीं, एक रोगी बनकर के आप जी लेते हैं। योग भी करते हैं, अगर आप केवल आसन प्रणायाम में फंस गए हैं, जो आजकल एक जो कबोल वाला चला है, लेकिन जो बोल वाला योग का चला है वो आपके शरीर के हित के लिए है, आपके हित के लिए नहीं, वो आपको कुछ नहीं देता, आपको अपने अपना दर्शन नहीं कराता, आपका परमात्मा का दर्शन नहीं कराता, आपको अपना साक्षीपन को डेवलप नहीं करता, आपके मन की एकाग्रता को नहीं बढ़ाता, आपके मन की व्याकुलता को शांत नहीं करता और मन को सीधे की तरफ नहीं ले जाता। जो संसार में सफलताएं दिलाए, संसार के कामों के, वो केवल आपको कुछ आसन प्रणाम
आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाते स्वस्थ रखते हैं। जीवन का मकसद केवल इतना ही है कि संसार में आइए, खाइए, पीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और जीवन गुजार जाइए, या दूसरी तरफ योग कीजिए, आसन कीजिए, भूलते जाइए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं सुंदर होना चाहता हूँ। इसका योग तो है, आपके लिए नहीं हुआ, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं ठहरने की बात करता हूँ। जहाँ आपके द्वारा कुछ भी ना हो, जहाँ आपके मन का महत्व नहीं हो, जहाँ आपके शरीर का मन महत्व नहीं हो, जहाँ आपके मन का ईगो नहीं हो, जहाँ शारीरिक संदर्भ की स्वस्थता का ईगो नहीं है, यह सब सभी कुछ करने के बाद में आपको यहाँ उतरना पड़ेगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं विवेक नहीं हूँ, मैं ज्ञान नहीं हूँ, मैं सोच नहीं हूँ, मैं विचार नहीं, सब इस अवस्था में आना पड़ेगा। ये तब होगा जब आपको आपकी शक्ति काम देने लगेगी, जब आपकी शक्ति आपके साथ हो जाएगी। अगर यह चीज़, यह भाव आपके अंदर में आ गया कि मैं बहुत ही परे इन सबों के साथ रहते हुए, इन सब का उपयोग करते हुए, मैं अपने आप में मैं जो हूँ वह हूँ, मैं जो होना चाहिए, मुझे जो समझ में आना चाहिए, उसका भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए और संसार में आप सब कुछ करते हुए आप साक्षी बन जाइए। आप अपने दृष्टापन को डेवलप करिए, आप अपने अवेयरनेस को डेवलप कीजिए और संसार में व्यस्त रहिए। कुछ समय अपने लिए निकाल करके सोचिए कि यह सब मैं शरीर और संसार के लिए कर रहा हूँ, यह सब मैं रिश्तों, नातों, दोस्त मित्रों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा अगर करते रहा तो मैं नए नए संस्कारों को, नए नए प्रारब्धों का निर्माण करूँगा और पुनः पुनः हमें अगले जन्म की ओर आकर के इसकी लेन देन करनी पड़ेगी, इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन यह सब यदि आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं कि मैं नियमित हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, या मेरे द्वारा कराया जा रहा है, मेरा शरीर कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा बुद्धि कर रहा है, मेरा विचार कर रहा है, मैं नहीं हूँ, इसके लिए आपको अपने अंदर अवेयरनेस को, साक्षी भाव को डेवलप करना पड़ेगा। शरीर का बल का उपयोग कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखने का साधन कीजिए, मन को एकाग्र करने का साधन। इसीलिए परिणाम बनाए गए हैं कि मन और प्राण दोनों एक साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मन प्राण के बिना काम नहीं कर सकता, प्राण मन के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए प्राण को संयमित करने के लिए प्राणायाम किए जाते हैं, लेकिन वह प्राणायाम नहीं जो शरीर को निरोग बनाए, वह प्राणायाम किया जाता है जो सूर्य के समान आपको प्रकाशित करे, अग्नि के समान आपको प्रज्वलित करे और आपके अंदर सोई हुई शक्तियों को एक दिशा दे करके आपको अपने आप से मिलाने की कोशिश करे, आपको आपको अपने परमात्मा से मिलाने की कोशिश करे, आपको अपने इष्ट से मिलाने की कोशिश करे। इसलिए समझिए कि आपका जीवन एक यात्रा है, वह एक लंबे समय से यात्रा करते चले आ रहा है, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी कीटाणु बन करके, कभी देह बन करके, कभी दानव बन करके करते चला रहा है। मन वही है, आत्मा वही है, आपका शरीर बदलता आ रहा है। जिन शरीरों के माध्यम से जो कर्म किया आपके अंदर मेमोराइज है, आप मनुष्य बने हैं लेकिन आपके अंदर में वो प्रभावशाली है, आपका अहंकार प्रभावशाली है, आपका ईगो प्रभावशाली है, आपका कर्तापन प्रभावशाली है, आपको छोड़ने वाला प्रभावशाली नहीं है, आपके साथ जुड़ने वाला, बलवान बनने वाला, एकाग्रता को बढ़ाने वाला, जीवन को और आगे ले जाने वाला चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव। इसलिए दृष्टा बन जाएंगे, अवेयरनेस को डेवलप करेंगे तो आपके अंदर में परिवर्तन आएगा, आपकी विवेक जागृति हो जाएगी, सारे सिद्धियों से परे, मन सारे सिद्धियों को दिला करके, मन और सारे प्राकृतिक, शारीरिक और दैहिक, दैविक अनुभवों से मुक्त करके आपको डिवाइननेस की ओर यात्रा करेगा, आपको एक विराट की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, आपको आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, जाना है बस, चलते रहना, भीतर की ओर जाना है। आम जीवन में अंदर क्या, बाहर की ओर चलते हैं, इसमें भीतर की ओर जाना है, बाहर वाले आवरण को एक एक करके हटाते जाना है और अपने से मिलना है, जहाँ नथिंगनेस है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर की कृपा है। यह तभी संभव हो सकता है यदि आप ठहरे और भीतर की यात्रा करें, अपनी ओर यात्रा करें, और उसके पहले आप शरीर को समझें, मन को समझें,
बुद्धि को समझे, विवेक को समझे। शरीर के साथ शरीर का अहंकार है, मन के साथ अस्मिता है, मन के साथ आपको मैपन है, मन के साथ एकाकारपन है, मन के साथ संसार के निर्माण में सहयोग देने के साधन है, मन के साथ प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन यह जो आपकी उपलब्धि, जो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आपको मोक्ष का द्वार खोलना है, जो साक्षात्कार प्राप्त करना है, वह आपको मन का बाह यात्रा हो ही नहीं सकता, वह शारीरिक हो ही नहीं सकता, वो अशारीरिक है, मानसिक। आपको नो माइंड होना पड़ता है, वहाँ करना कुछ नहीं है, छोड़ना है, ड्रॉप करना है। जैसे चीज़ है उसको वही छोड़ करके, बहुत टेस्टी खाना है उसके छोड़ करके और टेस्टी खाना खा सकते हैं। वह पहले पहल तो आपको अंतः की यात्रा बड़ा ही अनटेस्टी है, बड़ा ही निराशापन की ओर ले जाता है, बड़ा मेहनत करा कर। लेकिन यदि यह आपसे कंटैक्ट हो जाए, यदि एक टच आपको मिल जाए, तो संसार के सारे सुखों से, सारे आनंदों से ऊपर है। वो परम आनंद है, परम सुख है, परम शांति है। यह तभी संभव हो सकता है जब आप उस रास्ते पर ठहर करके चले, अपने मोक्ष द्वार को खोलें, अपने हृदय द्वार को खोलें और परमात्मा की ओर यात्रा करें। जो मिलता है उसे स्वीकार करते हुए, जो है उन सब में परमात्मा को देखते हुए, सब में परमात्मा की हाजिरी समझते, सब में परमात्मा को निमित्त समझते हुए, सारे संसार में परमात्मा को और अपने आप में देखिए। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, आप अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए। आपको इसके लिए आपको ठहरना होगा, अपना मंथन करना होगा, अपने आप को अध्ययन करना पड़ेगा कि आप किस इम्प्रेशन में जी रहे हैं, किसके प्रभाव में जी रहे हैं, किसके प्रेम में जी रहे हैं, किसके भक्ति में जी रहे हैं। यह बटा हुआ ऊर्जा है। आप किसी की भक्ति करते हैं, आप किसी से श्रद्धा रखते हैं, किसी से प्रेम रखते हैं, किसी से नफरत रखते हैं, आप होते ही नहीं, आप बाहर में होते, किसी और जिसके साथ श्रद्धा भक्ति प्रेम करते हैं आप उसके साथ होते हैं। यदि आप नफरत करते हैं तो आप फिर भी और दूसरे के साथ होते हैं। इसलिए हमें आपको अपना होना है, लौटना है और अपने अहंकार को, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को, अपने सफरिंग को, अपनी अयोग्यता को योग्य में साबित करते हुए, अपने को सब कुछ समझते हुए कि मेरे इस शरीर में परमात्मा रहता है, जिस तरह मैं शरीर की रक्षा करना चाहता हूँ उस तरह से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग भी खोलना पड़ता है। शरीर है तो संसार है, शरीर है तो परमात्मा, यह सत्य है। लेकिन शरीर एक, किसी एक शरीर के अंदर में, दो शरीरों के अंदर में छिपा हुआ हुआ है, वह नहीं है तो आप नहीं है, आपका शरीर नहीं है। आपका शरीर होना है साबित करता है कि वह आपके अंदर में बैठा हुआ है। आपका शरीर होना, इस पेड़ का शरीर होना साबित करता है कि वह पेड़ के अंदर में किसी ऐसी व्यवस्थित आत्मा बनकर है। जब वो कट जाता है, हट जाता, पेड़ सूख जाता है। उसी तरह से आपका जीवन में है कि आपके आपसे अगर उपासना हट जाएगा, साधना हट जाएगा, प्रभुता हट जाएगी, भक्ति हट जाएगी, तो आप सूखे पेड़ की तरह गिर जाएंगे। आप सूखे पेड़ बनकर रहेंगे लेकिन कोई रहने का मीनिंग नहीं, तात्पर्य नहीं होता है। इसलिए आपको अपना बनने के लिए, अपना जो है उसको रहने के लिए, अपने मन की वृत्तियों को, मन के आवरण को, मन के अस्मिता को, मन के अहंकार को ड्रॉप कर दीजिए और जो कुछ भी होता है उसके प्रति साक्षी बन जाइए। जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके प्रति अवेयरनेस को डेवलप कीजिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर माय बॉडी, आई एम डूइंग फॉर माय वर्ल्ड, आई एम डूइंग गोइंग टू डू फॉर माय पीपुल, लॉट ऑफ पीपुल हु बिलीव मी बिकॉज यू हैव ए फेथ एंड यू हैव गिवन ए फेथ, सो दैट फेथ विल वर्क फॉर यू। जब तक आप शरीर को माध्यम बना करके, मन को साधन बना करके, नो माइंड नहीं होते या बियॉन्ड माइंड नहीं होते, तब तक से सत्य की उपलब्धि नहीं है, तब तक से सत्य की प्राप्ति नहीं है। सत्य तो हमारे आपके भीतर में है, लेकिन यह सत्य को अपने आप में अनुभव किया जा सकता, क्योंकि आपका शरीर, मेरा शरीर, संसार के जितने लोग, सबका शरीर एक मंदिर के समान है। मंदिर को साफ रखना ही है, स्वच्छ रखना है। या गिरजाघर है, ईसाइयों के लिए गिरजाघर है, मुसलमानों के लिए आपको मदीना है, मक्का है, या आपको मकबरा है,
और क्रिश्चियनों के लिए आपको गिरजाघर है, मस्जिद। मस्जिद, मंदिर और शिवालय सब आपका शरीर ही है, और इस शरीर में सभी देवी देवता स्थापित है, बाहर में रोए रोए ना स्थापित है, इसलिए रोए रोए का नाम देवी देवताओं के ऊपर है। इस शरीर के अंदर में सात शरीर है, सातों शरीर का अपना केंद्र है, अपना महत्व है, अपना प्रभुता है, उनका अपने विशेष आयोजन है। ये सभी न्यूरोलिंग्विस्टिक, ये सभी इस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेटेड हैं कि एक दूसरे भौतिक सूक्ष्म पर आश्रित है, सूक्ष्म भौतिक पर आश्रित है। अगर दोनों में तालमेल ना हो तो आप सुखी नहीं रहेंगे, दोनों में मेल मिलाप नहीं है तो आप दुखी हो जाएंगे, यही रोग का कारण है। कफ बात पीत जो तीन मजल बनते हैं, ये आपको बैलेंस नहीं है, आपको इससे आप रोगी हो, इसलिए आप रोग से बचना चाहते हो। लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति समर्पण होने की भावना हमें आपको निरोग बना देती है, हमें आपको स्वस्थ बनाती है, और हमारे आपके कार्य में सफलता मिलने लगता है। भक्तों, इसलिए आपको सहज में अगर चाहते समाधि लग जाए, सहज में चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सहज में चाहते हैं कि परमात्मा आपको साक्षात्कार के रूप में मिल जाए, तो आपको सहज होना पड़ेगा, आपको समझौता करना पड़ेगा। आप सहज होकर समझौता करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सत्य को नहीं जानते, सुख को नहीं जानते, आनंद को नहीं जानते, आप सुख से परिचित हैं, टेम्प्रोरी अस्वाभाविक सुख से परिचित है, किसी लेन देन में फायदा हो जाने के सुख, किसी संसारिक तत्व तो सफलता हो जाने के सुख से आनंद से परिचित। वह सुख, वह शांति वह आपके भीतर में छिपा हुआ है, वह परम सुख, परम शांति, परम आनंद बन करके आपके भीतर में चुका है, लेकिन आप बाहर में खोज रहे हैं। इसलिए सभ्यता से मैं कहता चला रहा हूँ, ध्यान मार्ग, ध्यान यात्रा पर आपको हमेशा ले जाने की कोशिश किया हूँ, अंतर यात्रा में आपको हमेशा ले जाने की कोशिश किया हूँ, और आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ठहरिए, मैं आपको अंतर यात्रा पर, ध्यान यात्रा पर ले जाऊँगा। उसके लिए आपको शरीर को बुलंद बनाना है, मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जो आप सोचे वही हो, समाधि हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो, प्रभु कुछ भी हो, अगर आपका मन संकल्पित स्ट्रांग संकल्पों से जुड़ गया है, तो आप जैसा भी रखना चाहोगे शरीर को ऐसा रख सकते हो, और आप अपने में परम से मिल सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें आपको अपनी ओर यात्रा करनी पड़ेगी, आप किसी और की ओर यात्रा करनी पड़ेगी, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जब अपनी ओर यात्रा करोगे तो वह विश्वास अपने आप में बलवान बनेगा, वह विश्वास अपने आप में इतना संकल्पवान बनेगा कि जो आप सोचोगे वही होगा। मैं कुछ दिनों में ध्यान यात्रा के माध्यम से ही, जो आप सुनते हैं, मैं एक विराट आयोजन देने जा रहा हूँ कायाकल्प के माध्यम से। मेरा कहने का मतलब है, मैं ये चाहता हूँ कि हम आत्मीय विज्ञान, आत्मीय साधन से आपकी उम्र को बढ़ाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ दिन मुझे देंगे, कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे, उसी तरह से जिस तरह से मैं कहूँगा, तो मैं आपको 100 वर्ष, 144 वर्ष आराम से दे सकता हूँ, एक टच से दे सकता हूँ, एक छूने से दे सकता हूँ। विश्व शांति अभियान का अलग जगाते हुए महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने की। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम, A65 पंचवटी अपार्टमेंट, विकासपुरी, न्यू दिल्ली, फोन 011-28-53-411-0। महायोगी पायलट बाबा आश्रम, गंगा गेटिया, नैनीताल, उत्तरांचल, फोन 059-42-22-4026। और महायोगी पायलट बाबा आश्रम, दक्ष रोड, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल, फोन 01-334-24-5868।